नमस्कार दोस्तों, मैं कवि हुंकार अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करने वाला हूँ। बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त और नियम। बहुत लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि जन्माष्टमी 14 तारीख की या 15 की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 14 अगस्त को शाम के 7:45 पर आरंभ होगी या 15 अगस्त को सायं 5:40 पर समाप्त हो जाएगी। अतः 14:45 से लेकर 15 तारीख को 5:40 शाम के तक जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाना शुभ रहेगा। अगर आप 14 अगस्त को अगर जन्माष्टमी मनाते हैं तो आपके लिए शुभ है, क्योंकि 14 तारीख को रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्म दिवस माना जाएगा। रात्रि में अष्टमी तिथि 14 अगस्त को होगी, इसलिए इस बार जन्माष्टमी 14 अगस्त को ही मनाना उत्तम रहेगा। मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और तभी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें जान लेते हैं जिनको जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने में सफलता महसूस होगी और साथ ही में अच्छी तरह आप मना पाएंगे। जानिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्या अर्थ है और इसके क्या महत्व हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को होने के कारण इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु तथा समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस साल सूर्य राशि का परिवर्तन हो रहा है, अतः अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिन लोगों के राशि में चंद्रमा कमजोर हैं, वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर काफी लाभ पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो और आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।